के लिए किया जाना चाहिए, वो रिपोर्ट कहीं धूल फांक रही है। तो न सिर्फ आज जयंती नटराजन जो कह रही है कि एक छोटी सी बात की इको सेंसिटिव जोन बनने से ऐसा हो गया और अगर उसको पालन कर लिया गया होता तो ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल बेशर्म झूठ है। इतना बड़ा उत्तराखंड के साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत सारी चीजों का मिला जुला असर है, और जो पर्यावरण के साथ लगातार जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है उसका असर है। आप खनन की बात कर रहे हैं, नदियों को आपने कहां नीचे से खोद दिया, उनका जो स्वाभाविक प्रवाह है वो आपने खत्म कर दिया। क्या उसकी उत्तरकाशी में जो विनाश हुआ है उसकी बहुत बड़ी वजह उसके नीचे हुआ खनन है। आपने पट्टे जमीनों के बांटे हैं नदियों के किनारे। तो इन सारी चीजों को जब तक एक बार सामूहिक रूप से नहीं सोचा जाएगा तब तक उत्तराखंड के लिए समग्र विकास की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक बात। और इको सेंसिटिव जोन भी तब रहेगा जब वहां के लोग बचेंगे, उत्तराखंड का अस्तित्व बचेगा, और आज की जो चेतावनी है ये उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने की चेतावनी। जी, एक ब्रेक हमें यहां पर लेना है। गोविंद जी, बहुत साधुवाद देना चाहूंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से बहुत करीने से आपने आईना दिखाने की कोशिश की है उत्तराखंड के रहवासियों को तर्कों के साथ। हाँ, तर्कों के साथ, तर्कों के एक, एक, एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी हमारी ये विशेष पेशकश और ये चर्चा जारी रहेगी। उत्तराखंड में आई तबाही नहीं है दैवीय आपदा, इस तबाही को हमने बुलाया, विकास के नाम पर पहाड़ों को रुलाया, रोए पहाड़ तो विकास बना विनाश। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। कुदरत के कहर से कांपा उत्तराखंड, तब राज्य सरकार ने दिखाए मजबूत इरादे, सेना की मदद से पहुंचाया खाद्यान्न, पानी और राहत सामग्री, आपदा पीड़ितों को युद्ध स्तर पे पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर, केंद्रीय बलों की मदद से राज्य सरकार की मशीनरी ने खोले प्रमुख मार्ग, केंद्र से भी मिली भरपूर मदद। शासन व प्रशासन, ITBP, BRO व अन्य संस्थाओं के सहयोग से युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित किया जा रहा है। प्रदेश की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का कि वो यहाँ आए उत्तराखंड, और प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए की हमको अंतरिम सहायता घोषित करी है। आपदा में फंसे लोगों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में रहने खाने का निःशुल्क इंतजाम तथा उनको घरों तक पहुंचाने के लिए बसों और रेल की निःशुल्क व्यवस्था। मुसीबत की इस घड़ी में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की जनता से इस संकट की घड़ी में मैं अनुरोध करता हूं अपने उत्तराखंड के निवासियों से, भाइयों से, कि जो हमारे अतिथि आए हैं, जो यहां पे श्रद्धालु आए हैं, जो आज फंसे हुए हैं, आप उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अंदर के क्षेत्र जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, सेना भी प्रयास कर रही है, आसपास के गांव वाले वहां जाके मदद करें, एक दूसरे का दुख बांटें और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। 3 states, 11 colleges, placement pioneer in North India, 1600 placements this year, Devbhoomi Group of Institutions. अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives, and at 72 Chakrata Road, Dehradun. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली जूली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? डिस्कवर ग्लोबल एनवायरनमेंट, global exposure, global curriculum, placements, collaborations, Graphic Era University, Dehradun, transforming dreams into reality. विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी।
निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। उत्तराखंड में आई तबाही, नहीं है दैवीय आपदा, इस तबाही को हमने बुलाया, विकास के नाम पर पहाड़ों को रुलाया, रोए पहाड़ तो विकास बना विनाश। उत्तराखंड में जो भीषण आपदा आई है, इस त्रासदी में हम सभी उत्तराखंडियों के साथ हैं, जो स्थानीय स्तर पे इस आपदा के शिकार बने उनके साथ भी हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से तकरीबन 12,500 के आसपास जो तीर्थयात्री हैं, जो सैलानी हैं, वो उत्तराखंड में गए थे, जो इस आपदा का शिकार हुए, कुछ ने अपनी जान गंवा दी और बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। हम उन सब के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, अपने आप को उन सबसे, उनके दुखों से संबद्ध करते हैं। हम ये जो लालची विकास है इसको विनाश का द्योतक मानते हैं। इसके अलावा जो मौजूदा व्यवस्था है, जो सरकार है, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, जो लाल फीताशाही है, यहां इस स्तर पर भी हमने बहुत सारे लेकुनास, बहुत सारे लूपहोल्स देखे हैं। बानगी, मैं आपको दो बयान सुनवाता हूं, हरिद्वार के डीएम और हरिद्वार के एसएसपी साहब के, उनसे खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कितना भारी समन्वय है। हाँ, कितनी गंभीरता से राहत कार्य हो रहे हैं जी, ये देखिए। जनपद हरिद्वार में 16 बॉडीज रिकवर करी जा चुकी हैं, जिसमें से 14 हरिद्वार से और 2 रुड़की से बॉडीज प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कई सारी बॉडीज की सूचनाएं हमें अलग अलग क्षेत्रों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जैसे लक्सर से 4 और ऋषिकेश बैराज से 10 से 12 शवों की प्राप्ति की सूचनाएं मिल रही हैं, जिनकी अभी आधिकारिक या औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लगभग अब जो हमने अभी तक रिकवर किया है, कुल 48 शव जो हैं, लगभग इनको रिकवर किया गया है। इन शवों को हम लोग प्रॉपरली इनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, साथ साथ इनको मॉर्चरी में इसको सिक्योर कर रहे हैं और इनके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, और इनको जो भी इनका जो हुलिया बयान जो भी है इसको हम लोग फ्लैश कर रहे हैं नेबरिंग स्टेट्स में। और मैं ये भी साफ कर दूं कि एसएसपी साहब का बयान हमारे संवाददाता ने पहले लिया था और डीएम साहिबा का बयान उसके बाद लिया था। अमिताभ जी, सुरेंद्र जी से सवाल है, ये बताएंगे कि ये गफलत क्यों? अगर इस वक्त भी आपकी अटेंटिवनेस का ये आलम है तो बलिहारी आप पर, निक्षावर आप पर। मैं एक सवाल और पूछूंगा, आपकी सरकार को योजना आयोग ने 3 चिट्ठियां लिखी, कहा कि ये जो बिजली के नाम पर आप गोरख धंधा कर रहे हो ये बंद करो, ये ठीक नहीं है। 3 चिट्ठियां लिखी, योजना आयोग में भी आपके भाई बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या सपा और बसपा से तो आए नहीं, मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, वो भी आपकी बिरादरी के, आपकी सरकार, कहीं नजर आई कोई बात, किसी चीज पर कोई गौर किया क्या सरकार ने अग्रवाल साहब? अमिताभ जी, ये कृपा मेरे ऊपर ही क्यों कर दी आपने आज? नहीं, सरकार आप हैं। माननीय इको सेंसिटिव जोन पर भी थोड़े मैं विचार प्रकट कर दूं। नहीं, मैंने कहा, अग्रवाल साहब, नहीं, इको सेंसिटिव जोन शब्द मैंने डिलीट कर दिया बहस से, माफ कीजिए, अगर चला हो तो नहीं चलेगा। अग्रवाल साहब विशेषज्ञों की टिप्पणी दी है, मैं बहस को नहीं, उस पर मुझे विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार दीजिए अग्रवाल साहब। एक मिनट, आप तलवार उठाइए, एक मिनट काट दीजिए, मुझे मंजूर है नहीं तो यहाँ टांग दीजिए मुझे। एक मिनट, जब आपने बुलाया है और इको सेंसिटिव जोन पर 3 विशेषज्ञों के कमेंट आए हैं, एक मिनट दीजिए, विशेषज्ञों के कमेंट आए हैं, अरे भाई एक है कि मैं अपने विचार प्रकट करूं, बात विशेषज्ञों के कमेंट हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अरे बात तो सुनिए, हमारे जीवन से जुड़े हुए 1 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। अरे बात सुनिए कि नहीं, कमेंट जो है टिप्पणी, अरे बात पर मुझे विचार प्रकट करने का अधिकार है, और अगर वो अधिकार नहीं देते तो मैं चुप हूं। आपको विचार दिए, मैं आपका दंड स्वीकार करूंगा। अग्रवाल साहब, आपको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और कल भी मैंने कहा था आपके उस अधिकार का को अक्षुण्ण रखने की जवाबदारी मेरी, कल भी कहा था, 3 विशेषज्ञ लाए हैं आप, एक मिनट सुनेंगे, जवाब देने का अधिकार, अरे भाई दीजिए ना, मुझे सुना जाना चाहिए उनके बाद। एक मिनट, मुझे दंड दे रहे हैं, आपने मुझे दंड दिया कि सुरेंद्र भाई है महाराज, आप मेरी बात नहीं सुन रहे भाई को, तो पहले उनका जवाब देने दीजिएगा। अग्रवाल साहब, मेरी बात, कोई और सज्जन देना चाहे ऐसे नहीं चलेगा, स्वागत करूंगा। अग्रवाल साहब, मेरी बात तो सुनिए पहले जी,
मेरी बात तो सुनिए आप, तो आज मुझे लग रहा है कि एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और ब्रेक ब्रेक उठाई नहीं, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए, जीवन का मामला है, मेरी बात सुनो। और मैं उस पार्टी का नुमाइंदा हूँ जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, जिसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वो अधिकार तो आपको मुझे आज देना पड़ेगा। मैं सुन तो रहा हूँ आप, मेहमान के अधिकार होते हैं अमिताभ जी, मेहमान के अधिकार होते हैं, आज तो मेहमान का अधिकार भी मांग रहा हूँ, आप सुनेंगे नहीं? अधिकार मांग रहा हूँ, मैं दूध भी हूँ अपनी पार्टी का। अग्रवाल साहब आप सुनेंगे कि नहीं, एक मिनट मेरी बात तो सुन ले, मैं मॉडरेटर हूँ चर्चा का, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? मैं चुप बिल्कुल, ये तो ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं है, ये चर्चा की, ये चर्चा की मर्यादा का उल्लंघन है। नहीं मर्यादा नहीं, एक करोड़ लोगों, मैंने कहा आपको अवसर की समस्या है। अच्छा पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं अपनी बात कहूंगा, पहले आप बोल, मैं कह रहा हूँ आज जीवन यापन से जुड़ी, नहीं आप बोल लीजिए अग्रवाल साहब, आपको मैंने 5 मिनट दिए, आप कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ डालिए, चलिए 5 मिनट दिए, घड़ी देखो अतुल, 40 हुए, 45 पर बात कर, चलिए नहीं 5 मिनट दिए, आप भी आप ही सुनाएंगे, नहीं नहीं आप अन्याय कर रहे हैं, आप यशपाल आज अन्याय है, अग्रवाल साहब आप यशपाल आर्या को खुश कर दीजिए, आप मुख्यमंत्री को खुश कर दीजिए, पूरा घोषणा पत्र बांट दीजिए, चलिए जैसे आपको मोहब्बत जन सरोकारों से है, मैं भी जन सरोकारों की पैर भी करने का, जाइएगा जाइएगा जनता के बीच में, जनता बताएगी यहाँ कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ने से क्या होगा, और जो लोग जनता के बीच में जा रहे हैं उनको जनता हाथ की हाथ अपनी भावनाएं बता रही है, वहां जाइएगा तो वहां इको सेंसिटिव जोन पर सेमिनार करके दिखाइएगा मुझे। आप नाराज हो रहे हैं, आप जज की कुर्सी में बैठे हैं, आप नाराज नहीं हो सकते, मैं निवेदन किया, मैंने कहा आप जज की कुर्सी में बैठे हैं, आप कतई नाराज नहीं हो सकते। अग्रवाल साहब मैंने आपसे अरदास की कि 5 मिनट आपको दिए, आप 5 मिनट में जो कांग्रेस कहना चाहती वो कह दीजिए। नहीं आपने ये नहीं कहा, आपने कहा घोषणा पत्र पढ़ लिया, हाँ घोषणा पत्र, इतना निवेदन किया मैंने, मात्र इतना निवेदन किया कि जो 3 विशेषज्ञों की टिप्पणी है उस पर मैं विचार कर, आप कर दीजिए ना, आपका टाइम शुरू हो गया, 41 है, 8:41, 8:46 पर आप से बात करेंगे जी। जहां तक विकास की बात है तो हम जो उत्तराखंड के 1 करोड़ लोग हैं वो मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार रखते हैं, जहां तक अभी 3 विशेषज्ञ ने टिप्पणी करी है उन टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो भी परियोजनाएं इस उत्तराखंड में बनी है स्पष्ट है, ये सर्वविदित है कि पर्यावरण का इम्पैक्ट का अध्ययन जो वैज्ञानिक करते हैं उसके आधार पर परियोजनाएं स्वीकृत होती रही हैं। एक तरफ तो चीन जो है वो सीमाओं पर सड़कों का जाल बिछा रहा है, रेल लाइन 20,000 फीट ऊपर रेल लाइन लेके चला गया है, और हम सड़कों से भी वंचित हो जाएं, बिजली से भी वंचित हो जाएं। जहां तक हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात है, मैं ये मानता हूं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कहां बनाए जाएं, कैसे बनाए जाएं, कितने बनाए जाएं, इसका अध्ययन होना चाहिए, पर यह अध्ययन तो वैज्ञानिक के हाथ में छोड़ा जाना चाहिए ना। तथा कथित वैज्ञानिक जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं, लगता है वो साजिश रच रहे हैं कि हमारे सीमा के जितने गांव हैं वो खाली हो जाएं, सारे लोग देहरादून में बस जाएं, हरिद्वार में बस जाएं, हल्द्वानी में बस जाएं, और हमारे जितने गांव हैं पहाड़ के वो खाली हो जाएं, कि जो क्योंकि जब उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें नहीं मिलेगी, सड़क नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, तो वो लोग कहां जाएंगे, उनको हम भगवान भरोसे छोड़ दें। जहां तक आपने आपदा की बात कही, अभी लेह में भी पिछले दिनों बादल फटा था, केदारनाथ घाटी में जो भी है वो बादल फटा है, वहां पर उसका अध्ययन होना चाहिए, कैसे हमें आपदा से लड़ना चाहिए इस तरह की घटनाओं से, उसका मौसम वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, वो सबसे बैठकर चर्चा की जानी चाहिए और अच्छा कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। सारे नेता यदि चोर हैं तो लोकतंत्र में और लोगों को कहां से लाओगे आप रास्ता रोक रहे हैं। अगर सबको चोर बना देंगे तो जो हमारे रावत जी राजनीति में आने की कभी कभी बात करते हैं, ये सोचेंगे सारे चोरों के बीच में मैं क्यों जाऊं, पंत जी बहुत भले आदमी है, ये भी सोचेंगे काहे राजनीति में जाऊं, अग्निहोत्री जी साहब तो सबको चोर बता रहे हैं, कल को सारे चोर हो जाएंगे, सारे चोर नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनके दिल में कुछ अच्छा काम करने की लगन भी है, करना भी चाहते हैं, उनकी चल रही है ना, अच्छे आदमी तो आप भी हैं अग्रवाल साहब, अच्छे आदमी तो आप भी हैं, आपका ही पूरा सम्मान, लेकिन चल रही है ना, अभी 2 मिनट बाकी अग्रवाल साहब, 2 मिनट और, मैं आपके अधिकार के लिए बिल्कुल मुस्तैद, मैं 2 मिनट आपको समर्पित, नहीं 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 आप बोलिए, नहीं नहीं मित्र आप बोलिए, मैं आपको समर्पित, नहीं नहीं मित्र आप बोलिए, नहीं मुझको तो साजिश लग रही है, कुछ विशेषज्ञ साजिश रच रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के साथ, वो ये चाहते हैं कि गांव के गांव खाली हो जाए, केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी उसमें शामिल हो गया, वो नीचे आके बस, अब मैं बोलूं, आपने 1.5 मिनट छोड़ दिया,
आपके समर्थित किया, बहुत बहुत कृपा। अगर यह साजिश है तो यह साजिश उस पार्टी की केंद्र की सरकार ने की है जिस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है। तो क्या 10 जनपद से साजिश हुई? अब नहीं, अब नहीं, अग्रवाल साहब, मैं मौन होकर सुन